जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। जालौन के कोंच बस स्टैंड पर हो रही बारिश से बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसमें लोग गिरकर के आए दिन घायल भी हो रहे हैं। वहीं आने जाने वाले राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने क्षतिग्रस्त मार्ग को सही कराए जाने की मांग को लेकर SDM कोंच अतुल कुमार से शिकायत कर समाधान की गुहार लगाई। आपको बता दें कि अधिवक्ता OP अग्रवाल ने SDM अतुल कुमार को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि कोंच बस स्टैंड पर जहां रोडवेज और प्राइवेट बसें खड़ी होती हैं, वहां पर पानी की निकासी न होने के कारण बारिश से गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं, जिसमें पानी भर गया है और बस स्टैंड पर पानी भरने के कारण राहगीरों और यात्रियों को निकलने में काफी परेशानियां होती हैं। कई बार बाइकें और रिक्शा टेम्पो पलट जाते हैं, जिससे यात्रीगण चोटिल हो जाते हैं। मौके पर देखा जाए तो पुराना जर्जर CC रोड की सरिया भी ऊपर निकल आई है, जिसके चलते कई यात्री घायल भी हो चुके हैं और आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। इसके अलावा यहां पर रोडवेज बसें खड़ी होती हैं और यात्रियों के लिए कोई टीन शेड न होने के कारण बारिश में महिलाएं व बच्चों को अत्यधिक परेशानी होती है, जिसको लेकर अधिवक्ता OP अग्रवाल ने जनमानस की समस्या को देखते हुए बस स्टैंड के क्षतिग्रस्त मार्ग को सही करवाए जाने और टीन शेड लगवाए जाने की SDM से मांग की है। जालौन मेट्रो कोच संवाददाता रविकांत द्विवेदी के रिपोर्ट। इस संबंध में कहते हैं कि नगर पालिका द्वारा इसकी समुचित पानी की निकासी न होने के कारण यहाँ आए दिन इन गड्ढों में दुर्घटनाएं घटती रहती है। टैक्सी वाले रिक्शा वाले कई दफा फंस चुके हैं, पलट चुके हैं। यहाँ बस स्टैंड पर निकले हुए सरियों से भी कई यात्री जख्मी हो चुके हैं और कई दफ़ा इस संबंध में प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन फिर भी आज तक प्रशासन द्वारा इस पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए हमने संपूर्ण समाधान दिवस में ADM साहब के समक्ष प्रार्थना पर देकर अवगत कराया कि ये समस्या को अवलंब इस पर कार्रवाई होकर नगर की इस बस स्टैंड को सही करवाया जाए, जिससे बस में अन्य यात्री कोई इससे जख्मी ना हो सके। इतनी परेशानी आती गिर गई कि हाथ के गड्ढे हर जगह, इस पर पट्टा टूट रहा है, कहूँ बहना टूट रहा है, कहूँ गड्ढा टूट रहा है, कहूँ रिक्शा वाले में बन रहा है, वो निकल नहीं पाते। इसी वजह से पानी भर जाता है, यात्री परेशान होते हैं। क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं कि ये स्टैंड का सुंदरीकरण हो जाए, इसकी गड्ढे अड्डे भर के पूरी रोड बन जाए, तो आदमी को आने जाने में सुविधा मिले। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।